अरे अरे भाई, बहुत दिन बाद मिला यार। आज तो तुमको शायरी सुनाना पड़ेगा। शायरी सुना है? हाँ तो सुन। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। वाह 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 वाह। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। पैदल ही निकल जाते हैं ठेके की ओर जिनके पास कार नहीं होती। आज से तेरी मेरी दोस्ती खत्म। चल निकल बाहर। बड़ा आया यहाँ पे। साले ने मुझे अपने घर से बाहर निकाला। इसकी तो मैं अभी ईंट से ईंट बजा दूंगा। आपके पति कैसे मरे? जेल खा के मर गए। लेकिन उनके शरीर पर तो चोट के निशान थे। तेल खाने से मना कर रहे थे। तो कैसी पत्नी है? घर से बाहर नहीं निकलना है। गर्मा गर्म रिश्ते रिश्ते वाले, ताजे ताजे रिश्ते रिश्ते वाले। सुनो भाई, ये डॉक्टर कैसा दिया है? बाजी डॉक्टर 40 लाख का है। नहीं नहीं, बहुत महंगा है। बाजी एक यूज में भी पड़ा है। अच्छा, इसमें कोई खराबी तो नहीं है? नहीं नहीं, इसकी मंगनी टूट गई थी, वरना फ्रेश पीस है। सो कहना, आप कोई दूसरा दिखा दें। तो फिर ये इम्पोर्टेड में बिजनेसमैन देख लें। बेटा ग्रीन कार्ड दिखाओ। ये वो विस्कॉन्सिन में पेट्रोल स्टेशन चलाते हैं। आपके लिए सिर्फ 60 लाख। नहीं नहीं, बहुत महंगा है। भाई को सस्ता पीस दिखाओ। तो फिर आप ये डिस्काउंटेड ही देख लें। ये देखिए, मेरे पास सिंगर भी है, ये पेंटर भी है, ये शेफ। नहीं भाई, आर्टिस्ट को तो फ्री में ले लें। नहीं भाई, नहीं चाहिए। थू थू। आंटी प्लीज। चुप करके बैठ जाओ, कस्टमर आए हुए। और मैडम, फ्री हो तो पिक्चर विक्चर देखने चले। पागल मेरे बेटा किया। पापा आप यहाँ क्या कर रहे हो? अरे बेटा, मैं तो ऑफिस जा रहा था। ये कौन है? ये रास्ता भटक गई थी, मैं उसको रास्ता दिखा रहा था। तू सीधा स्कूल जाना। हाँ, गुल्ली मत मारना। तेरी मम्मी को बोलना तेरे पापा थरकी है। चलो, इसमें मेरा नंबर है। संडे को मैं फ्री रहता हूँ, मूवीज देखने चाहिए। अरे 500 रुपए दो जल्दी से। क्या करेगी 500 रुपए का? दो ना, जल्दी दो। अरे यार, तू भी बहुत परेशान करती है। लो रख लो। क्या करा तूने? आपकी मौसी है ना शिमला वाली, उन्होंने अपनी बेटी की शादी का कार्ड भेजा है व्हाट्सएप पे। तो वहाँ तो हम जा नहीं सकते इतनी दूर, इसलिए मैंने 500 रुपए भेज दिए शगन में व्हाट्सएप पे। जानू, इतने दिनों से दारू बैन थी ना, तुम्हें मिल नहीं रही थी, तुम्हारे लिए मैंने घर पे बना ली। लो पी के देखो कैसी है। अरे वाह, दिखा। ये तो बिल्कुल वैसी ही है। तूने कैसे बनाया इसको? अरे मैंने YouTube से बनाना सीखा। पहले मैंने बहुत सारे सड़े हुए अंगूर लिए, उसमें से कीड़े वगैरह निकाल के उसको एक बड़े से बर्तन में रख के पैरों से कुचला मैंने अच्छे से। फिर मैंने सोचा कि इसमें से वो वाली स्मेल नहीं आ रही। फिर मैंने मम्मी को फोन किया। मम्मी ने कहा, देख बेटी, बिना धुले हुए कच्चे को 2 दिन उसमें डुबा के रखते थे, निचोड़ के निकालियो, आने लग जाएगी। बस जलवा देखो, तुम्हारे पेट में गया। अरे तुम्हें तो चढ़ भी गई। भाई साहब, ये नशा वशा छोड़ो,
आओ मैं तुम्हें दिखाता हूँ दुनिया कितनी खूबसूरत है। चलो। अरे भाई साहब ये नशा वशा छोड़ो, आओ मैं तुम्हें दुनिया दिखाता हूँ कितनी खूबसूरत है। भाई साहब चांटा क्यों मारा, ये तो तुम्हें दुनिया दिखा रहा था। भाई साहब इसने मुझे कल भी दुनिया दिखाई थी, खुद भांग खाकर 3 घंटे धूप में घुमाया इसने। एक बार पति पत्नी की जोरदार लड़ाई हुई, पति ने तंग आकर अपनी सास को फोन किया। सुनिए सासू जी, आपका ये प्रोडक्ट मेरे मुताबिक नहीं चल रहा है, मैं इसे लौटा कर आपसे बदलने की डिमांड करता हूँ। सुनिए दामाद जी, आपके प्रोडक्ट की वारंटी खत्म हो चुकी है, रिफंड या एक्सचेंज की ऐसी कोई पॉलिसी नहीं है। प्रोडक्ट की परफॉर्मेंस बेहतर करने के लिए बालों से पकड़ कर दिन में 2 दफा धुलाई करें। मछली जल की रानी है, जीवन उसका पानी है, अब तुम सुनाओ। पत्नी घर की रानी है, करती अपनी मनमानी है, काम बताओ चिढ़ जाएगी, शॉपिंग कराओ खिल जाएगी। अरे भाई हाँ? इसको चेक कर तो मीठी तो नहीं है। नमक थोड़ा तेज है। मीठी तो नहीं है? मीठी नहीं है। अच्छा एक मिनट। हाँ भाई, अरे तेरी पेशाब चेक करवा ली यार, नहीं है तेरे को शक्कर की बीमारी। सुनो तुम कितनी रोटी खाओगे? बदला लेने का टाइम आ गया है, आज मैं 10 खाऊंगा। ठीक है तो फिर 12 बना लेना, 2 मैं खाऊंगी। यार तुझे तो पता ही है तेरा भाई बचपन से कितना अमीर है। यार फिर भूख लग रही है बहुत, तो कुछ खिलवाई दे फिर। भाई तुझे याद है हम बचपन में एक गेम खेलते थे? हाँ आँख में चोली। हाँ एक बार वो गेम खेलते हैं फिर खाने जाएंगे। चल ठीक है। चल भाई मैं तुझे ढूंढता हूँ। डिंग 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 डिंग। अरे भाई साहब वो मेरा बेचारा दोस्त अंधा है, कुछ पैसे मिल जाएंगे उसके इलाज कराना है। अरे यार बेचारा अंधा है दे दे। No. अरे भाई गेम बाद में खेलेंगे, चल पहले कुछ खाई आते हैं। पहले वो रोज खेत में आती थी मुझे मिलने के लिए, हम रोज मजा करते थे, फिर सरकार ने उसके घर में शौचालय बनवा दिया। सब जलते हैं मुझसे, सब प्यार के दुश्मन है हमारे।